नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस माइरॉक टिप्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा, आप अगर चाहते हैं अपनी डीटीएच टीवी रिचार्ज करवाने के लिए तो आपको कौन सी प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा रिचार्ज करवाने के लिए, तो आपको कौन सी प्लेटफॉर्म में कितना कैशबैक मिलेगा और वहाँ पर आपको क्या प्रोमो कोड यूज़ करना है, चाहे वो पेटीएम, चाहे वो फ्री चार्ज, चाहे वो मोबीक्विक, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पर आप सभी को क्या प्रोमो कोड यूज़ करना है और कितना कैशबैक मिलेगा, सारे के सारे डिटेल्स इस वीडियो में आप सभी को सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। दोस्तों, इसलिए आप सभी को वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना होगा। यहाँ पर जो भी मैं प्रोमो कोड बताऊंगा उसी प्रोमो कोड की यूज़ करके आपको अपने डीटीएच टीवी रिचार्ज करवाना होगा, तभी जाके आपको कैशबैक मिल जाएगा। दोस्तों, आप सभी को अगर इस वीडियो और ये प्रोमो कोड पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं आने वाले दिनों में आप सभी के लिए ऐसे ही लेटेस्ट प्रोमो कोड, ऐसे ही लेटेस्ट ऑफर के बारे में हर रोज़ वीडियोज़ बनाता रहूँगा, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। दोस्तों, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर लीजिए, ताकि उन सभी को भी लेटेस्ट प्रोमो कोड के बारे में हर रोज़ पता चल जाए। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम आगे जो भी कुछ न्यू वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करेंगे आप सभी को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों, आप अगर सोच रही है पेटीएम एप्लीकेशन यूज़ करके अपने डीटीएच टीवी रिचार्ज करवाने के लिए, तो यहाँ पर मैं आप सभी को सबसे पहले पेटीएम के बारे में बता देता हूँ कि पेटीएम एप्लीकेशन की यूज़ करके अगर डीटीएच टीवी रिचार्ज किया जाए तो वहाँ पर आप सभी को क्या प्रोमो कोड यूज़ करना होगा और उसी प्रोमो कोड के हिसाब से आपको कितना कैशबैक मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहले मैं पेटीएम एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे ही पेटीएम एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा तो सबसे पहले एक बैनर आप सभी को देखने को मिलेगा, जहाँ पर लिखा होगा कि रिचार्ज डीटीएच स्लैश केबल टीवी ऑन पेटीएम फ्लैट 30 कैशबैक ऑन फास्ट रिचार्ज, यूज़ कोड डीटीएच 30। तो आप अगर पेटीएम के ऊपर डीटीएच टीवी रिचार्ज करेंगे तो आपको डीटीएच 30 प्रोमो कोड यूज़ करना होगा, जहां पर आप सभी को 30 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा आपकी फास्ट रिचार्ज में। तो वहां पर मैं आप सभी को बताता हूं कि कैसे रिचार्ज करवाना है। तो आपको यहां पर डीटीएच ऑप्शन में जाना है, नहीं तो इस बैनर के ऊपर क्लिक करना है। तो सिंपली मैं डीटीएच ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि बैनर तो हर टाइम रहता ही नहीं है, ऑफर चेंज होता रहता है। तो आपको, आप जो भी यहाँ पर यूज़ कर रहे हो, चाहे वो एयरटेल टीवी हो, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो वीडियोकॉन, चाहे वो टाटा स्काई, आप जो भी सर्विस यूज़ करते हो तो आपको उसी के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही उसी के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपकी सब्सक्राइबर आईडी जो है यहाँ पर डाल देना होगा, उसके बाद अमाउंट डालना होगा कितने रुपीज़ आप रिचार्ज करवाने के लिए चाहते हैं। तो उसके बाद आपको फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना है, सिंपली प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक प्रोमो कोड का ऑप्शन दिया जाएगा, जहां पर आप DTH 30 प्रोमो कोड को यूज़ करेंगे। जैसे ही DTH 30 प्रोमो कोड यूज़ करेंगे, उसके बाद रिचार्ज सक्सेसफुल होने के बाद आपको पेटीएम की तरफ से 30 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इस यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप अगर DTH 30 प्रोमो कोड यूज़ करेंगे अपनी DTH टीवी रिचार्ज करवाने के लिए फास्ट रिचार्ज में, तो आपको पेटीएम की तरफ से 30 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये तो गया पेटीएम के बारे में। आप अगर DTH 30 प्रोमो कोड यूज़ करके पेटीएम में अपना DTH टीवी रिचार्ज करवाएंगे तो आपको पेटीएम की तरफ से अपनी फास्ट रिचार्ज में 30 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा। दोस्तों, उसके बाद मैं आप सभी को कोई दूसरा प्लेटफॉर्म बता देता हूँ, जहाँ पर आप सभी को ज़्यादा कैशबैक मिलता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आप सबको फ्रीचार्ज के बारे में बता देता हूँ। आप अगर फ्रीचार्ज एप्लीकेशन की यूज़ करके अपने DTH टीवी रिचार्ज करवाएंगे तो वहाँ पर आप सभी को क्या प्रोमो कोड यूज़ करना होगा और आप सभी को कितना कैशबैक मिलेगा। तो सबसे पहले मैं फ्रीचार्ज एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। अगर आप फ्रीचार्ज एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो अच्छा है, नहीं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर फ्रीचार्ज एप्लीकेशन का लिंक है, आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आप सभी को सबसे नीचे एक ऑफर का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करना होगा। वहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे टॉप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्लाइड बैनर अभी चल रहा है, बहुत सारे बैनर यहाँ पे लगा हुआ है फ्रीचार्ज की तरफ से, जितने भी ऑफर है। तो यहाँ पर आप सभी को एक बैनर दिखने को मिलेगा, जहाँ पे लिखा होगा अप टू 150 कैशबैक ऑन योर DTH रिचार्ज, यूज़ कोड TV50। जैसे ही हम वहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद उसी ऑफर का सारे टर्म एंड कंडीशन आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप अगर यहाँ पर पढ़ सकते हो, नहीं तो मैं आप सभी को इस वीडियो में समझा देता हूँ।
तो आपको यहाँ पर मिनिमम 20 रुपीज़ का रिचार्ज करना होगा अपने DTH स्ट्रीम में। आप अगर चाहते हैं ज़्यादा रिचार्ज करवाने के लिए तो कर सकते हो, आपको यहाँ पर मिनिमम 20 रुपीज़ का रिचार्ज करना है, जहाँ पर आप इस प्रोमो कोड की यूज़ कर पाएंगे TV50। ठीक है, आप सभी को TV50 प्रोमो कोड यूज़ करना है अपनी DTH TV रिचार्ज करवाने के लिए, तो आपको वहाँ पर मैक्सिमम 50 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ, आप जितने ही ज़्यादा रिचार्ज करेंगे आप सभी को उतना ही ज़्यादा कैशबैक मिलेगा, तो आपको मैक्सिमम 50 रुपीज़ तक कैशबैक मिलेगा। आप अगर 20 रुपीज़ रिचार्ज करवाएंगे कोई एक पैक के लिए तो आपको 50 रुपीज़ कैशबैक नहीं मिलेगा। आप अगर 50 रुपीज़ कैशबैक लेने चाहते हैं तो आपको 50 रुपीज़ से ज़्यादा रिचार्ज करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस प्रोमो कोड को सिर्फ एक ही डिवाइस में, एक ही डेबिट और क्रेडिट कार्ड में, एक मोबाइल नंबर में सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद मैं यहाँ पर आप सभी को बता दूँ, आप अगर DTH में रिचार्ज करवाने के लिए चाहते हैं यहाँ पर DTH ऑप्शन में जाना होगा। उसके बाद आपको अपने ऑपरेटर सिलेक्ट करना है, जैसे कि मान लीजिए डिश TV या रिलायंस TV, एयरटेल वगैरह, जो भी सर्विस आप यूज़ करते हो तो आप उसे चूज़ कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप सभी को अपने सब्सक्राइबर ID यानी कि रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर भी आप डाल के रिचार्ज कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो आपको यहाँ पर एक प्रोमो कोड का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आप DB50 प्रोमो कोड को यूज़ कर पाएंगे। जैसे ही रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद आपको फ्रीचार्ज की तरफ से इंस्टेंटली 50 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा। तो उसके बाद मैं आप सभी को कोई और प्लेटफॉर्म यहाँ पर बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को फ़ोनपे के बारे में भी बताऊँगा। आप अगर फ़ोनपे एप्लीकेशन की यूज़ करके DTH रिचार्ज करवाएंगे तो वहाँ पर आपको कितना कैशबैक मिलने वाला है। तो मैं सबसे पहले फ़ोनपे एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद थोड़ा नीचे जाने के बाद आप सभी को रिचार्ज एंड पे बिल का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पर आप मोबाइल, DTH, इलेक्ट्रिसिटी कोई भी रिचार्ज कर सकते हो। लेकिन आप सभी को रिचार्ज करने से पहले ऑफ़र चेक करना है कि कौन सा ऑफ़र अभी चल रहा है, डिश TV रिचार्ज करवाने के लिए या DTH रिचार्ज करवाने के लिए। तो सबसे नीचे एक ऑफ़र का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही वहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद रिचार्ज, पे बिल, सेंड मनी, सारे ऑफ़र यहाँ पर आप सभी को दिखने को मिलेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है DTH 50% कैशबैक। तो वहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे, उसी ऑफ़र का टर्म एंड कंडीशन आप सभी को दिखने को मिलेगा कि आप सभी को क्या क्या करना है, कैसे आप सभी को फ़ोनपे की तरफ से DTH रिचार्ज करवाने के लिए कैशबैक मिलेगा। तो जैसे ही वहाँ पर क्लिक करेंगे, थोड़ा लोडिंग लेने के बाद उसी ऑफ़र का सारे टर्म एंड कंडीशन दिखने को मिलेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है उसी ऑफ़र का टर्म एंड कंडीशन। यहाँ पर बताया गया है कि आप अपने फ़ोन पे UPI ID या डेबिट और क्रेडिट कार्ड यूज़ करके आप अगर फ़ोन पे एप्लीकेशन में DTH रिचार्ज करवाते हैं तो आपको मैक्सिमम 75 रुपीज़ तक कैशबैक मिलेगा। तो ये कैशबैक मिलेगा कब, आप अगर पहली बार, ठीक है, फास्ट एवर रिचार्ज ऑन DTH रिचार्ज, आप अगर अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन के यूज़ करके पहली बार DTH रिचार्ज करवाएंगे तो आपको फ़ोन पे एप्लीकेशन की तरफ से 75 रुपीज़ मैक्सिमम कैशबैक मिलेगा। दोस्तों मैं यहाँ पर आप सभी को बता दूँ, आप अगर 75 रुपीज़ से ज़्यादा रिचार्ज करवाएंगे अपनी डिश TV में और DTH में तो आपको तब भी 75 रुपीज़ कैशबैक मिलेगा। आप अगर उससे कम करेंगे तो आपको उसी के हिसाब से 50% कैशबैक मिलेगा। दोस्तों यही है 3 प्लेटफॉर्म, जैसे कि फ़ोनपे हो गया, पेटीएम हो गया, फ्रीचार्ज हो गया। तो आप अगर इन तीनों प्लेटफॉर्म को मिला के जो भी प्लेटफॉर्म आप सभी को अच्छा लगता है तो आप उसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करके DTH TV रिचार्ज करवाइए, तो वहाँ पर आप सभी को भर भर के डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि भर भर के कैशबैक मिलेगा। दोस्तों मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए कि आप सभी को इस तीनों प्लेटफॉर्म में कौन सी प्लेटफॉर्म का ऑफ़र आप सभी को अच्छा लगता है। दोस्तों अगर आप सभी को ऐसे ही लेटेस्ट ऑफ़र, ऐसे ही लेटेस्ट प्रोमो कोड के बारे में हर रोज़ जानना चाहिए तो हमारी इस माइरॉक टिप्स YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम आगे जो भी कुछ न्यू वीडियोज YouTube पर अपलोड करेंगे आप सभी को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिए ताकि उन सभी को भी इस ऑफर के बारे में पता चल सके, उन सभी का भी कुछ हेल्प हो पाएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक न्यू ऑफर के साथ, तब तक के लिए खुश रहिएगा।